एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में मोटू अपनी माँ जॉन के साथ रहा करता था। मोटू अपने गांव की एक लड़की पतलू के साथ मोहब्बत करता था और उसी से ही शादी करना चाहता था। पतलू एक गरीब घर की लड़की थी और उसके माँ बाप नहीं थे। मोटू की माँ मोटू की शादी एक बहुत अच्छे और अमीर घर में करना चाहती थी। और एक दिन, अरे मोटू बेटा, आज जल्दी घर आ जाना, तुम्हारे लिए लड़की देखने के लिए भी तो जाना है। लेकिन माँ, मैं तो हमारे गांव की एक लड़की पतलू है, उससे शादी करना चाहता हूँ। ये कहीं वो पतलू तो नहीं जिसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है और बहुत गरीब है? अरे हाँ माँ, ये वही है, बहुत अच्छी लड़की है। बेटा, उस कंगली से तो तेरी शादी नहीं होने दूंगी। तेरी शादी बहुत बड़े खानदान में करूंगी, जो लड़की बहुत सारा दहेज लेके आए। जाकर अपने उस कंगली पतलू को बता देना कि तुम्हारी शादी हो रही है और ये मेरा आखिरी फैसला है। मोटू वहाँ से खामोश होकर चला जाता है। रास्ते में वो सोचता रहता है और उसे भी अपनी माँ की बात ठीक लगती है। अरे मोटू, आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? कहीं आप मुझे अपनी माँ के साथ तो मिलाने के लिए नहीं लेकर जा रहे? नहीं 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 नहीं, तुम गलत सोच रही हो। वो एक्चुअल में बात ये है कि माँ ने मेरी शादी तय कर दी है, तो मैं तुमसे ये कहना यह था कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे, हमारा रिश्ता ख़त्म, ब्रेकअप। बहाने मत करो, तुम सिर्फ मुझे इसलिए छोड़ रहे हो कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं दहेज लेकर नहीं आऊँगी। तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे क्या? ओके फाइन, जो तुमने समझना है बड़े शौक से समझो। मैंने तुमसे कहना था कि अब हम नहीं बोलेंगे और ना ही मिलेंगे। अब मैं जा रहा हूँ कंगली पतलू। पतलू रोते हुए अपने घर आ जाती है। मोटू, तुमने सिर्फ मुझे इसलिए छोड़ा है ना कि मैं बहुत गरीब थी। अब तुम देखना, मैं इतनी मेहनत करूँगी कि मैं बहुत अमीर बन जाऊँगी और मैं तुम्हें दिखा दूँगी कि तुमने क्या छोड़ा है। ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगा तू मोटू, मेरा इंतकाम देखेगा। मोटू को बहुत दुख था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। और ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और मोटू बहुत ज़्यादा अमीर हो जाती है। अब उसके पास सब कुछ था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई है? एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में मोटू और पतलू नाम के पति पत्नी रहा करते थे। मोटू की माँ भी उन्हीं के साथ रहा करती थी। मोटू की माँ अपनी बहू पतलू को पसंद नहीं करती थी। अरे ओ कल मोही, गरम चली सुबह से मैं उठ गई हूँ और नाश्ते का इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन तू है कि तेरी नींद ही ख़त्म नहीं हो रही, महारानी बन के लेटी रहती है सारा दिन। अरे नहीं माँ, बस मैं अभी उठी थी, मैं बस अभी आपके लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। हाँ महारानी, जल्दी जा, तेरा एहसान होगा अगर तू मुझे नाश्ता बना कर दे देगी। पता नहीं कैसी निकम्मी बहू है। नाश्ता करने के बाद जॉन गांव में घूमने के लिए चली जाती है। अरे तुम्हारी बहू और मेरी बहू दोनों की शादी एक साथ हुई थी, मेरी बहू ने तो दो दो बच्चे भी पैदा कर लिए, लेकिन तेरी बहू का कोई इरादा नहीं लगता। मुझे तो ऐसा लग रहा है तो कभी अपने पोते पोतियों की शक्ल ही नहीं देख पाएगी। अरे बहन, क्या हो गया, कैसी अनाप शनाप बातें किए जा रही हो? मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी कराऊंगी। सारा दिन गुजर जाता है, रात का वक्त आ जाता है। कल मोही, करम चली, आज मेरे बेटे को आने दे, देख मैं कैसे अपने बेटे की दूसरी शादी कराती हूँ। अब मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगी, पोते पोतियों का मुंह देखने के लिए मैं तरस कर रह गई हूँ। माँ, ये मेरे बस में तो नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप मुझे और मोटू जी को जुदा क्यों करना चाहती हैं? मैं उनके बगैर नहीं रह पाऊँगी माँ। मैं तो ऐसा करके ही रहूँगी, तुम देखना। शाम हो जाती है और मोटू वापस घर आ रहा होता है। आगे की कहानी में क्या होगा, इंतज़ार करें।